भी डाउट नहीं आ रहा है तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. बोला फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर, फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर ये निकालना है हमको, और मॉड ऑफ बी वेक्टर भी निकालना है. अगर अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 8. अब मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, बड़े ध्यान से सुनना. क्या डॉट प्रोडक्ट सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज फॉलो करता है? ठीक है, ये कहानी क्रॉस प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है ना. अब कभी भी सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लिखना, तुम्हें पता है आंसर यही आने वाला, बट हमको ऐसे लिखना नहीं है, हमें थोड़ी सी उनको मेहनत करके लिखानी है. कैसे? हम लोग ए वेक्टर को इस वाले ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस बी वेक्टर को इस वाले बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस बी वेक्टर को इस ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस बी वेक्टर को इस बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे? देखो, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 8. अब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये भी डॉट प्रोडक्ट में ही होता है. देखो सुनो, a vector dot b vector is equals to b vector dot a vector, ये करेक्ट है. लेकिन इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट, whereby a vector cross b vector is not equal to b vector cross a vector. ठीक है ना? ठीक है, b cross product के लिए ये चीज applicable नहीं होती. तो ये दोनों तो equal है, तो इन दोनों को हम लोग ने क्या कर दिया? Cancel कर दिया. अब सुनो, a का a के साथ angle कितना होगा? 0. A dot A मतलब क्या? A vector का mod into A vector का mod into cos 0 minus B vector का mod into B vector का mod into cos 0 equals to 8. 8 है ना question में, ठीक है ना. अब मेरी बात सुनो, cos 0 तो 1 ही होता है, cos 0 तो 1 ही होता है, और क्योंकि cos 0 1 ही होता है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं A vector के mod का square minus B vector के mod का square equal to a. अब अगर तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है कि दीदी जब पहले से ही आपने बोल दिया था कि algebraic identities applicable होती है, तो हमने दो step extra क्यों लिखी? दिखाने के लिए. क्यों? क्योंकि हमने scalar को vector के जैसा assume नहीं किया, हमने बताया कि इसलिए ये algebraic identity follow हो रही है. आई बात समझ में? ठीक है, तो ए वेक्टर जब तुम लोग क्वेश्चन देखोगे तो तुमको क्वेश्चन में एक चीज और दिखेगी, वेयर बाय इट इज रिटन ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मॉड. तो ए वेक्टर के मॉड की जगह क्या लिख देंगे? 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8. तो 8 टाइम्स आर 64, बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर is equals to कितना? 8. तो 63 b vector के mod का square equals to कितना? 8. तो b vector के mod का square is equals to कितना? 8 upon में 63. तो इस हिसाब से देखें तो b vector कितना हो जाएगा? Under root of a upon 8 upon में 63 mod. क्या ये कहानी समझ में आई? हाँ क्या नहीं? जल्दी बोलो. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 तो बड़ा आसान है. देखा क्या? बिल्कुल मैकेनिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है. बोला है इवैल्यूएट द प्रोडक्ट 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर. 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर. अब अगेन क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? फिर से 3a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और
इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 6 a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ठीक है ना। 3 7 21 प्लस 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है ना, माइनस 10 a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35 b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 11, तो ये हो जाएगा 6 a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35 b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। क्या ये आसान है? देखो, हम लोग को क्वेश्चन ने पहली बात क्या बोली, दैट a वेक्टर और b वेक्टर का मॉड क्या है, इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लोगों ने क्या करा, a वेक्टर का मॉड शुड बी इक्वल टू b वेक्टर का मॉड। उसके बाद बोला a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना है, हाफ, a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना है, हाफ, तो हम लोगों ने a डॉट b कितना कर दिया, हाफ। a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, a वेक्टर का मॉड इनटू b वेक्टर का मॉड इनटू cos 60 इज इक्वल्स टू कितना, हाफ, ठीक है। तो और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो यहां पर हम लोगों ने कितना पुट कर दिया, हाफ, तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड इनटू हाफ इज इक्वल्स टू हाफ, तो a वेक्टर के मॉड इनटू a वेक्टर का मॉड, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, शुड बी इक्वल टू 1, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 1। बोलो, कोई परेशानी? चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत आसान है। बोला फाइंड x का मॉड फॉर अ यूनिट वेक्टर a। अच्छा, वो चीख चीख के बोल रहे हैं क्या कि a वेक्टर का मॉड कितना है, 1। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीख के बोला ना कि यूनिट वेक्टर है, क्या बोला, यूनिट वेक्टर a, तो यूनिट वेक्टर a का मतलब a एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मॉड कितना होगा, 1। और साथ में बोल रहे हैं x वेक्टर माइनस a वेक्टर इनटू डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना, 12। अब इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, x वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कितना, 12। लेकिन a का मॉड कितना है, 1, तो x वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू 12, तो x वेक्टर के मॉड का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 13, तो x वेक्टर का मॉड वुड बी कितना, रूट 13। क्या ये इजी है? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ a वेक्टर इज इतना, b वेक्टर इज इतना, c वेक्टर इज इतना, are such that a vector plus lambda b vector is perpendicular to c vector, find the value of lambda। क्या ये खुद करना चाहोगे कि मैं ही करवा दूँ? हमको a vector देके रखा हुआ है, 2y cap plus 2j cap plus 3k cap, ठीक है ना, 2y cap plus 2j cap plus 3k cap, ठीक है ना। b vector कितना दिया हुआ है, minus i plus 2 plus, और c वेक्टर कितना दे के रखा है, 3i cap plus j cap। अब वो क्वेश्चन में एक छोटी सी बात बोल रहे हैं कि a वेक्टर plus lambda b वेक्टर is perpendicular to c वेक्टर, इससे क्या समझ में आ रहा है कि इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो a वेक्टर plus lambda b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब मैं सी वेक्टर के साथ करूंगी तो वो जीरो क्यों आएगा, क्योंकि ये लोग परपेंडिकुलर हैं, ये लोग परपेंडिकुलर है तो इनका थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होगा, 0। ओके, क्या हम लोग ए प्लस लैम्डा बी की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, ए प्लस लैम्डा बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो, 2i कैप माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 2j। तुम्हारी बैच के टाइम ऐसा क्यों होता है रोज? Thank you.
हमको ही मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है तुमको। ओ हाँ आवाज आ रही है क्या बेटे सबको?